जनपद में कोविड अब नियंत्रण में है। कोविड के कुछ पेशेंट मिले थे लेकिन अब वह बिल्कुल ही स्वस्थ हैं, जिनका घर से उपचार किया जा रहा है। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि जनपद में अभी तक 18 वर्ष से ऊपर के 102% लोगों को टीका लग चुका है। 14 वर्ष से लेकर 17 वर्ष तक के बच्चों को 101% टीका लग चुका है। वहीं 12 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को 101% टीका लगाया गया है तथा 60 वर्ष के ऊपर 99% बुजुर्गों को टीका लगाया जा चुका है और जितने भी फ्रंट लाइनर्स वर्कर्स हैं उनको तीनों डोज लगा दी गई है। पूरे जनपद में 37% लोगों को बूस्टर डोज लग चुका है। इस वजह से गोरखपुर की जनता पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि सर्दी जुकाम और खांसी का मौसम, शीतलहर अधिक पड़ रही है, ऐसे में प्रदूषण अधिक फैलता है जिससे काफ़ी सर्दी जुकाम होने की संभावना रहती है। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बच्चे, बीमार बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर ना जाएं और मास्क का प्रयोग अवश्य करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, देखिए जनपद में भी कोविड बिल्कुल नियंत्रण में है। 4 केसेस हमारे यहाँ निकले हैं, चारों पेशेंट स्वस्थ हैं, सभी लोग होम आइसोलेशन में हैं, उनका घर से ही उपचार किया जा रहा है और चारों लोग जो है केवल हॉस्पिटल में दिखाने आए थे, उनकी किसी सर्जरी के सिलसिले में उनकी जांच की गई थी, पॉजिटिव निकले थे। जनपद में की अगर हम बात करते हैं तो 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को 102% टीका लगा हुआ है, 2 खुराक का। 14 वर्ष से लेकर के 17 साल के बच्चों को भी 101% लगा है। 12 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को 101% टीका लगा हुआ है। 60 साल की उम्र के बुजुर्गों को 99% लोगों को टीका लगाया जा चुका है। जितने भी हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको तीनों डोजेज लगाई जा चुकी हैं। अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव बात करते हैं जनपद गोरखपुर की तो 37% लोगों को हम बूस्टर डोज लगा चुके हैं। जनपद गोरखपुर में हर्ड इम्यूनिटी जो है वो 96 से लेकर के 98% है, इसलिए गोरखपुर की जनता पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से अनुरोध करूंगा, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और खास करके बच्चे, बीमार बुजुर्ग और गर्भवती माताएं भीड़ भाड़ के स्थान पे ना जाएं, अगर जाते हैं तो वहां पर मास्क का प्रयोग अवश्य करें। हाँ, निश्चित रूप से हमारे जितने पोर्टल बने हैं पोर्टल पर सब अपडेशन किया जा रहा है। हमारा IEEE एक्टिव हो गया है। IEEE के हमारे प्रभारी डॉक्टर गणेश यादव और सुनीता पटेल जी हैं, ये लोग उसको देख रहे हैं और नियमित रूप से उसका भ्रमण संचालन किया जा रहा है। सर, जो सर्दी जुकाम और खांसी के मरीज कैसे चेक करें? देखिए, सर्दी जुकाम बुखार का ये मौसम होता है। इस वक्त जैसे कि हम लोग देख रहे हैं फॉग बहुत अधिक पड़ रहा है, स्मॉग हो जाता है, इसमें जितने भी प्रदूषित कण होते हैं नमी की वजह से वो हमारे रिस्पिरेबल जोन में आ जाते हैं। ऐसे में प्रदूषण अत्यधिक फैल रहा है, इंडोर एंड आउटडोर दोनों पोल्यूटेंट्स एक्टिव होते हैं। खास करके जो स्मोकर्स होते हैं उनमें क्रॉनिक ब्रांकाइटिस, ब्रांकाइटिस COPD के केसेस बढ़ जाते हैं और इस सीजन में भी देखा जाता है कि लोग एक दूसरे की क्लोज विसिनिटी में बैठते हैं, उसकी वजह से ट्यूबरक्लोसिस का स्प्रेड भी काफ़ी होता है। ऐसे जो मरीज होते हैं हमारी आशाओं को ये ट्रेनिंग दी गई है कि उनका जो है अगर कहीं पर भी क्लस्टर में मिलते हैं URTI, ILI या सॉरी के मरीज तो उनकी जो है जांच कराई जाती है और अगर कोविड पॉजिटिविटी निकलती है तो उसके अनुसार ट्रीट किया जाता है।